नमस्कार मित्रों, स्मार्ट एज मार्ट चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप वीडियो में चर्चा करूँ कि आरबीआई द्वारा जे चेक अंगे नियमों बदलाव है अपने आ वीडियो में चर्चा करूँ जेथी तमने आ वीडियो खूबज उपयोगी निवड़े तेवी आ माहिती पूरी पाड़वामां आवशे। जो तमे हजी सुधी अमारी चैनल सब्सक्राइब ना करी तो सब्सक्राइब करो ने बाजू ने बेल आइकन अवश्य प्रेस करो जेथी तमने अमारा तमाम वीडियो नी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल में मळती रहे। आरबीआई ए चेक साथ पैसा की लेवड़देवड़ी सीस्टम बदली हवा नवा नियमों लागू पड़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटले कि आरबीआई ए उच्च मूल्यना चेक क्लियरिंग नियमों में फेरफार कर चेक पेमेंट में ग्राहकों की सुरक्षा वधारवाने चेक लीफ टेम्परिंग ने कारण छेतरपिंडी घटनाओं घटाड़वा माटे आरबीआई ए नवी सीस्टम शुरू करी है। आरबीआई ए 50,000 रुपया के तेथी वधुमा वधुना तमाम चेक माटे पॉजिटिव पे सीस्टम शुरू करवामां आवी छे। एटले कि पॉजिटिव पे एक नवी सीस्टम बैंकों में शुरू करने निर्णय आरबीआई कर्यो छे। सीस्टम अंतर्गत चेक आपती वक्त तेना ग्राहक द्वारा आपवामां आवेली माहिती चेकनी चुकवणी माटे बैंकना संपर्क करवामां आवशे। आ सीस्टम देशना जाहिर करवामां आवता कुल चेकनी मूल्य अने मूल्यना आधारे सीस्टम अनुक्रमे आश्रे 20-80% आवरी लेवाशे। आरबीआई कह्युं हतुं कि आ हेतु माटे ऑपरेशनल गाइडलाइन्स जाहिर करवामां आवशे। पॉजिटिव पे सीस्टम हेठळ लाभार्थी ने चेक सौंपाता पहला खाताधारके आपेल चेकनी विगतो जेम के चेक नंबर, चेक तारीख, चूकवनारनुं नाम, एकाउंट नंबर वगैरे तेमज चेकनी आगळ अने रिवर्स बाजुनो पण फोटो मोकलवो पड़शे। ज्यारे लाभकर्ता चेक ने एनक्रेश करवा माटे जमा करावियो त्यारे बैंकना पॉजिटिव पे द्वारा आपवामां आवती चेक विगतनी तुलना करवामां आवशे। जो विगतो मेळ खाती छे तो चेक क्लियर थई जशे। व्याजना दरमां कोईपण फेरफार करवामां आव्यो नथी। एटले के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गवर्नर शशिकांत दासनी अध्यक्षतावाळी 6 सभ्यनी नाणाकीय नीति समिति ए व्याजना दर अंगेनो चुकादो आप्यो छे। व्याजना दरमां कोई फेरफार करवामां आव्यो न हतो। जो कि आ वर्षना किस्सामां रिजर्व बैंके लॉकडाउन ने ध्यानमां राखीने व्याजना दरमां 1.15% बे वखत पण घटाडो करवामां आवेलो छे। एटले आ वखते કોઈપણ વ્યાજના દરમાં ઘટાડો કરવામાં આવેલ નથી। બસ મિત્રો, આ વિડીયોમાં આટલું જ। જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ભૂલતા નહીં ને તમારા મિત્રો સાથે મારો વિડીયો શેર કરો જેથી તમને આવનાર તમામ વિડીયો મળતા રહે। ધન્યવાદ મિત્રો।